हरिओम। ये कहा सथिर बुद्धि है उस नर की जो कामना का त्याग करे। रणधीर शर्म सथिर बुद्धि है उस नर की जो कामना का त्याग करे। रणधीर शर्मा कष्ट मिटे जो परमेश्वर का ध्यान करे। निवले बात दम दे मजनम धार के कर्म करिए बिन नहीं सरे। बिल्कुल सही बात है। बोले जीते जी कमाए बिन किसने सरे। कर्म जरूरे करना पड़े। फिर कर्म किस डाल के बता दिए निवले भाई तीन कर्म क्रिया ईमान न्यून करया न्यून उसका फल भुगत लिया। कैसे बोले तात्य पानी में नहाया घने तात्य में हाथ दे दिया फफोला हो गया शीले में नहा तो जुकाम हो गया। न्यून करया न्यून फल आ गया गैल गैल हिसाब। एक है संचित कर्म जिसका साथ के साथ हिसाब नहीं हो सकता। कर्म तो ही कर दिया गैल गैल हिसाब नहीं हो सकता। उसके लिए व्यवस्था बनेगी पूरी फुल व्यवस्था प्रकृति बनाओगी तो उसका भुगतान होगा। इसी में से निकलता है प्रारब्ध। प्रारब्ध से मिलता है माँ का गर्भ। माँ के गर्भ से मिल जाता है जन्म स्थान बाप का नाम पारिवारिक संपत्ति परिवार के सदस्यों की संख्या। किसी का बोधा कुणबा से किसी का ठाडा से किसी का किले गणेश को पलाट न भी तरस से। ये सब प्रारब्ध में है। रंग रूप कद काठी आकार और स्वास्थ्य ये सब प्रारब्ध से आ जाता है। स्वास्थ्य भी आ जाता है कितने पीछे आड़ा हो ठीक को ना रहे मन मानो जान की दवाई खा ले। अरे एक झोंपड़ी में सो सर सब के मुखा सर 90 साल का हो रहा है खखाठा रहा है। ये सब प्रारब्ध है और प्रारब्ध से छेड़छाड़ नहीं होती। बोले फिर आत्म दे मजनम धार के कर्म करे बिन तो नहीं सर नहीं सर भाई नहीं सर भाई। बोले फिर के करे। अरे पिन्नू के जब पीछे जा करो आके सांसों का हिसाब होता है कि मेरी इतनी ऊर्जा बढ़ती हिसाब कर। अरे हिसाब नहीं कर पाओ तो ये परमात्मा का मेला है वो इसका मालिक है मालिक अपने अनुसार काम लेता है। इब गयो दे थारी है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं आत्म दे धार के गृहस्थी को अपना के अगर परमात्मा का भजन ना हो पाओ ना भी हो पाओ तो जरूरी नहीं है। पहले रोटी चाहिए पेट भराई चाहिए कुणबे का पेट भरना ऐसी ऐसी अवस्था भी है। ये गणे राम राम के आडंबर वे गणे करें जिनका चेत भरिया है पेट भरिया है फिर आडंबर कर्ण में लाग गवी के से थोड़ी वार सामने और काम को न्या हो सके से। और यो काम है कर्ण का जब करया नहीं तो ये सात्विक चुगली ही है। जीवन में धारा है नहीं बात बात राम राम की करें या चुगली है बात थोड़ी तामसिक है सात्विक है के करे। कृष्ण जी कहते हैं गीता में अगर आदम दे मजनम धार के गृहस्थी को अपना के अगर परमात्मा का भजन ना कर पाओ ना भी कर पाओ तो के करे। निवले ये सारा मेला परमात्मा का रचाया हुआ है। इस मेले में उसने सब को इतार रखा है। कौन उसने खिलाड़ी पहलवान गाणिया बजानिया बाबा कंडक्टर ड्राइवर दुकानदार पान बनानिया पिंचर लानिया सबके उतार रखा है। निवले इस मेले में इस परमात्मा के मेले में परमात्मा ने जो ड्यूटी दे दी उसमें बेईमान ना हो उसको ईमानदारी से करे। ये भी परमात्मा का एक बहुत बहुत गुरुदेव जी महाराज की हरे कृष्ण भगवान की जय हो। निवले अपना वो काम करे और काम करे पाछ टाइम बच जा तो बोले फिर राम के नाम ले। इस तन्यारिये को बात करे से वो मिथ्या है। अरे करणी ने धंधा धंधा ताई भजने न राम राम अरे झूठा है साधो जगत तमहा। अरे बोल कृष्ण भगवान की जय हो। तेरी भाग दोड़े जन्म रात न आराम झूठा है साधो ये जगत करे न धंधा भजने न राम झूठा है साधो ये जगत तेरी भाग दोड़े जन्म रात न करने न धंधा बजने न राम झूठा है साधो जगत तमाम। मैं बड़ी बड़ी गद्दियों पर जाकर अपने सत्संग मेरा महात्माओं में करने का है। दे महात्मा लोग न्यू है मन एक चीज देखी है जिनका खखाट उठ रहा है एसी रूम एसी गाड़ी बड़े बड़े आश्रम
ये निश्चित लालियो जिसके नाम से वह आश्रम है उस आदमी ने अपना जीवन बड़े संघर्ष में काटा होगा। आज उन गद्दियां पर मौज हो रही है। वे महात्मा जन खुद कैसे निवला सुनी भाई मेहनत तुम्हारे बदले करके जो हमारे गुरु दादा गुरु थे उन्होंने इतना कठिन जीवन काटा है उनका भजन है। वो बोगे भाई बादशाह बो दिया वो जम मगा बो दिया वो जाम आया अगली पीढ़ियां आनंद से है। किसी के घर में जाकर देख लियो किसी को भगवान घर पा जाएगा ये जरूर समझ लेना किसी एक पीढ़ी ने कुर्बानी दी है किसी एक पीढ़ी ने माटी में माटी रड़के और अपने परिवार को मजबूत किया ऐसे कोई मजबूत नहीं होता है। किसी ना किसी पीढ़ी ने जरूर मेहनत करी है जब जागे शीन दिखे है। करने न धंधा भजने न राम और झूठा ऐसा दो जगत तमाम। चुगली ना करया करो ये सांस लेके चुगली करो के क्या हो सके बात से। अरे माता जी अर्थम खास कर के सुन लो थारे में घनी से बात थारे में देख बनियो कह देचो शर्पा पर होटा हो ये बाला तन बेरा सकना ले जी लकड़ जा बाला का ये के बात है कई दिन की हो रही है ले फेर को चम्मच। अरे इतनी तेज तेज सड़ा शड़ बतलाऊंगी और दो घंटे चुगली करके फिर ए मरण दे ना हमने के पड़ी मगाना के मना पड़ी ये कितनी आनगा जड़ा कुतिया भी पहुंच के जाली तुमने ध्यान भी कोई नहीं के जालिया धोरी गए। करने धंधा बजने न राम झूठा है साधो जगत तमाम। परमात्मा से टपकी बूंदी आत्मा आड़े रुक जाओ अग अग ना सोचो। परमात्मा से टपकी बूंदी आत्मा अग परमाणु बम घेर दे हर बात पे यह है पूरी बात। इसके बाद जितने नियम जितने नाम यो नाम भी या जात भी घने दिन पाछा तो मन तो नहीं बेरा लागे था ब्राह्मण हा मन बेरा है कौन था ब्राह्मण घने दिन पाछा बताओ हम करा है त्यारे तो हम जाट सा ये सोनी जी है अपन नाई सा है ब्राह्मण हम सुए लावा भर भरे उन नाई बनावा हो के नाई है उसका सुए लाला नाई बनावा उसने ए घनश्याम नाई बने सुए लावा फिर नहीं बताऊंगे फलाने का नहीं जाना अपनी उनकी बिगड़ रही है फलाने हिंदू मुसलमान का भी ये बताऊं आड़े जो बैठे मंडास मारे उनने भी कौन मेरा उनने उनके पलड़े बता गए उनने की मेरा बचा हुआ पहले उनने उनके पलड़े बता गए। परमात्मा घर से तो आत्मा परमात्मा साई आत्मा उस तक गई क्यों कर सुए लाओ है तेला पापा या माँ भी ये बता या तेरी माँ यो तेरा ताऊ तेरा यो नाम पहली फिल्म के गए है बराबर बराबर कर रहे हैं। ये पंडित जी का है ये मियाँ जी का है। इसके घर में मंगल ने बाल भी नहीं कटते इसके घर में रोज मुर्गा कटता है कौन शखा गया एक भीत पे चाड़ा है उन अपने बड़कान ने बता दी भाई आप आना नहीं करना लसन प्याज भी खाना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा एक न्यू कहना जरूर है खा कर कोई बात ना है। ये कौन शिखाओ है कौन शिखाओ है पैर भावना कौन शिखाओ से द्वेष भावना ये हम तैयार करा था अपने ने जग ने सिखाया रन्ना तो मात पिता भाई रे ठोकर मारना चल झूठ बोलते हो तुम हमारे को बहकाते हो तुम चौरासी का हकदार करते हो इतनी हिम्मत नहीं है किसे किसे महवे आए बैठे हैं यार ये मारे ठोकर सब क्या है झूठ बोलते हो तुम गलत बात सिखाते हो जिसमें हिम्मत हो सब छोड़ चलिए फिर ज्ञान होया फिर छोड़ चलिए राजधानी इतना तो भाई अर क्या कांप जाएगा दो दिन भी नुकाए भैंस आठल समा नहीं जा सकता ओए जग ने सिखाया रन्ना ता मात पिता भाई रे कौन सा है
बताई हो, हो। संतों ने बताई रवि थी बजले मन का सब भाव है यो सारी आन बोल लिया ये करे तर 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 बोल लिया जागा तुम बोलो अर्चन ना बोलो पर ये भीतर तुम न बताएं जा सके मन के मन के मन के मन ये इसका सब भाव है। ये जरूरी नहीं है कि आप वासना में लिप्त हो तो ये बोलता है, नहीं चाहे कुछ भी बताओगा, चाहे पड़ोसन की बताओगा फलानी न्यू खागी फलानी ने न्यू उठा लिया उसने तो मेरे तो बहुत भूडा सूट दिया मन तो उसने बहुत बढ़िया दिया था आ गलियां जी तो दूसरी आई थी वे तो लकोली दूसरी दे दी मतलब यो भीतर बताएं जा सके मन के मन के मन के मन ये इसका स्वभाव है। ये इतना बारीक किसे गुड़जिया आदमी समाज में ब्राह्मण बनिया जाट धोबी भी बन जा पक्का इतनी आसानी तो बन जा बेरा नहीं लगता जैसे तिल के अंदर तेल रहता है बेरा ना लागता बीड़ी पीन लाग जाए बेरा ना लागता सरुमत ने कहा ओए पीऊं शोखिया ओका बीड़ी पियो सरुमत पक्की आना भरता नहीं ओए पीऊं मेरे तो आदत है पाछ बेरा लाग गया दारू पीन लाग जाए बेरा ना लागता पाछ बेरा लागे तू पीन लाग गया गुड़ जाए आसानी से किसी गैंग में शामिल हो जाए बेरा ना लागता उन बैठन लाग जाए उनकी बात अच्छी लागू हवा बात जी की वो तो बेरा जब लागे जब पुलिस पकड़ना हो दसा में एक नाम उसका भी है नो और से जब नहीं बेरा तेरी बैठी तू तो गैंग में से पाछा बेरा लागे इसकी जान ना पाटती क्यों करना पाटती खेल जगत में माया सब ने प्यारी अरे इस माया ने पागल कर दी बोला सारी दुनियादारी माया बिना तो कोई किसी का आवाज आव को न्या सब तरिया परेशान रह रहा रस्ता पाव को न्या माया हो बस माया हो घना ज्ञान सुव को न्या बोला भाई माया बन तो जगन्नाथ भी हर किस गाव को न्या बोला पर भाग बिना थ्याव को न्या तो लाख करो होशियारी अरे इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी वासना का पूरति तो प्राण है तन में वासना की पूरति तो प्राण है तन में कन कन में विद्यमान कन कन में विद्यमान जिसन रचा है जान जिसन रचा शरण अंतकरण में अंतकरण में पशा दुश्मन का आराम झूठा है साधो ये जग तेरा मां।
अंतकरण में बसा दुश्मन का काम। अंतकरण में क्या क्या रहता है, जो शरीर के अंदर का सॉफ्टवेयर है, क्या क्या रहे है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला रे, जब द्रौपदी पे गलत दृष्टि डाली तो उसकी बाण समझाओ थी पहलवान जी ने, बोली तू राजा है, ये दासी है, ये तेरा कोई मतलब है? ने बोला ये मन रुकता खोन्या, मैं रोकू हूं रोज बतेरा। दासी रूप में द्रौपदी कूद पड़ी, ने बोली कैसे मन रुकता खोन्या? ने बोला रुकता खोन्या, रोकू हूं रोज बतेरा। ने बोली जी लकड़ जा तू रुकन की, मन मर जा। क्यों कर मर जा? के ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तजा सरे। द्रौपदी का सर ज्ञान के अंकुश से, यही अंकुश है न रुकेगा नहीं। ज्ञान से लगा दे इन पांचों के तारा, ज्ञान से लगा दे इन पांचों के तारा, ज्ञान से लगा दे इन पांचों के तारा। काला छट जागा अंधकार, हो जा उजाला रखो दे तृष्णा, हराम झूठा है साधो ये जगत तेरा, करे ने नंदा जप रे झूठा है साधो ये जगत तेरा, तेरी बात तोड़ जन्म से कुछ भी नहीं है, सब कुछ वेदोक्ति है, वेद से बाहर जीवन की कल्पना भी नहीं है। बोले सत्य सनातन को दुनिया ने जीवन का आधार मान्या, इस यो कोरोना आधा नहीं पीछे कोरोना आधा बीमारी, इसमें सब ने मान ली भाई ये वेद कहता है, ये बात सही है। हमारे वेद में बोला सत्य सनातन को दुनिया ने जीवन का आधार मान्या। हाथ जोड़ प्रणाम करो ये सर्वोत्तम सत्कार मान्या। ईव जमाने में क्या है, अभिवादन के लिए बाज का हमने हाथ मिलावा था, हाथ मिला के गले लगा था। कोरोना में न्यू कहे थे हाथ मत मिलाओ, या तो कहे थे हाथ मत मिलाओ। इसी बीमारी आ गई थी, बटे हुआ गया था, केड़े भी लाठियां गल पकड़े थे, दूर हो ले बीमारी दो रमत आइए। इसे सब क्या है कान खड़े हो गए थे,
उस टाइम न्यू कहे थे भाई हाथ जोड़ के राम राम करो दूर ते प्रणाम जी नमस्कार जी प्रणाम जी न्यू करो। सत्य सनातन को दुनिया ने जीवन का आधार मान्या, हाथ जोड़ प्रणाम करो ये सर्वोत्तम सत्कार मान्या। आदि सृष्टि अंत तलक कुछ नहीं वेद से बार मान्या। निवल्या सारा ही संसार मान्या पर मूर्ख की तकरार है, कौन जिम्मेवार है भाई कौन जिम्मेवार है। वेद वेद क्यों कर सन्यू ला रहे जो कर कार लिया वानी कार का लिख के ताब आओ उसमें लिख क्या पाओ से कार क्यों कर चलानी से कदी सर्विस करानी से ये मैं कितना इंजन से यो क्यों कर चला है क्यों किस टाइम पर सर्विस होगी क्यों मैं मशीन लिया वॉशिंग मशीन फ्रिज लिया उस गल भी एक किताब आओ से वेद मानवता की वह किताब से मानव आज वह किताब गल ले आई थी क्यों कर रहना से के करना से बीमारी आ जाए तो क्यों कर इलाज करना से के बीमारी आ सके से मानव में वो मानव की किताब है जो कर मशीन रिगल किताब आओ से क्या लिख दिया बोला।